ओके हे सो व्हाट्सएप गाइस वेलकम बैक टू डेक्टर जी गाइस। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हम लोग ग्रो एप्लीकेशन के बारे में, कुछ ऐसे चेंजेस को लेकर जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लोग अपने मोबाइल नंबर नहीं चेंज कर पाते हैं, डेट ऑफ बर्थ नहीं चेंज कर पाते हैं, साथ ही मैं आपको बताते हैं कि लोगों को नॉमिनी डिटेल्स ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता है सामने से, तो वो लोग कैसे अपने नॉमिनी डिटेल्स को ऐड कर सकते हैं, कैसे मोबाइल नंबर को बस एक क्लिक में चेंज कर सकते हैं, अपने जीमेल आईडी को चेंज कर सकते हैं। बहुत ही धांसू वीडियो होने वाली है ग्रो एप्लीकेशन को लेकर। मैं आपको बता दूं ग्रो एप्लीकेशन का, अगर आप लोग जीमेल आईडी चेंज करना चाहते हैं तो आप लोग को ये वाली वीडियो देख लेनी चाहिए, क्योंकि मैंने इस पर पूरा लाइव प्रूफ करके दिखाया है कैसे आपको अपनी जीमेल आईडी चेंज करना है। मोबाइल नंबर के ऊपर भी मैंने पहले वीडियो बनाया था, लेकिन उसमें काफी लंबा प्रोसेस था, तो मैं उसको भी आपको बता दूं, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डायरेक्ट मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी जो ग्रो एप्लीकेशन का ऐप है उसमें खुद एक अपडेट आ चुका है, वहां से डायरेक्ट अपनी नॉमिनी डिटेल्स, मोबाइल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ, साथ ही में बहुत सी जरूरी चीजें, अपना नाम खुद चेंज कर सकते हैं। अगर आपका ग्रो एप्लीकेशन में नाम भी गलत हो गया है तो आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। इस वाले वीडियो को देख लीजिए, आपका पूरा काम हो जाएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन आपको जानकारी पूरी सटीक मिलेगी और पूरी आज इस वीडियो में आपको ग्रो एप्लीकेशन से रिलेटेड सभी प्रकार की प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए मैं लेके चलता आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और वहां पर आपको सब चीजें लाइव प्रूफ करके दिखाता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपका इस वीडियो से काम हो जाता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हम ऐसे ही दाखिल आपकी वीडियो आप लोगों के लिए आते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मैं लेके चलता आपको ग्रो एप्लीकेशन के ऐप पर, और वहां पर आपको सब कुछ करके दिखाता हूँ। अगर आपने अभी तक इसको अपडेट नहीं किया तो पहले अपडेट कर लेना, तभी ये आपका फीचर आने वाला है, क्योंकि मैंने जो पहले बताया तो उसमें बहुत लॉन्ग फीचर था। जैसा हम इसको ओपन करेंगे, यहाँ पर मेरा देखिए ग्रो एप्लीकेशन ओपन हो रहा है, मेरा ऊपर जीमेल आईडी देखिए दिखाई दे रहा है, वहां पर लॉगआउट दिखा रहा है। अगर आपको ग्रो एप्लीकेशन का जीमेल आईडी भी बदलना है तो मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाया कि आप लोग उसको जीमेल आईडी कैसे बदल सकते हैं, पूरा प्रूफ करके दिखाया है। तो चलिए यहाँ पर मैं अपना फिंगरप्रिंट लगा के इंटर कर लेता हूँ। इसमें इंटर करने के बाद इसका ये स्टॉक स्टॉक सब कुछ ओपन हो जाएगा। 11% का भी सबसे हाई रिटर्न चल रहा है एक्सिस ब्लू चिप फंड पे। तो यहाँ हमको क्या करना है, जाना होगा हमें अपने यू वाले ऑप्शन पे। यू वाले ऑप्शन पे देखिए हमारा यहाँ पर ऊपर शो कर रहा है नाम और यहाँ पर जीमेल आईडी और साथ में मेरा मोबाइल नंबर, ये देखिए अभी ये 880 है, ठीक है 880 अभी आपको दिखाई दे रहा है। अभी जो मैं अपना मोबाइल नंबर इसमें चेंज करूंगा उसमें 81 कर दूंगा, ठीक है। यहाँ से जो 88 आगे आपको दिख रहा है ये 88 नहीं दिखे, 81 करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। तो आप इस वीडियो में बने रहिए और आपको इसमें पूरा लाइफ प्रूफ गारंटी के साथ 100% वर्किंग ट्रिक बताने वाला हूँ। तो चलिए क्या करना है आपको, यहाँ पर सब कुछ आप देख पा रहे हैं यहाँ से, उसके बाद आपको सिंपली बस आपको पर्सनल डिटेल्स में चले जाना है। और आपको बता दें कि यहाँ पर आने के बाद आपको डायरेक्टली देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है एडिट का, पहले ऑप्शन नहीं होता था, अभी ये ऑप्शन आ चुका है एडिट का। तो आप इस पे क्या कर सकते हो कि एडिट कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपको ये ऑप्शन आराम से काम करने लगेगा, ठीक है। चलिए हम लोग एडिट पे क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप एडिट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, आप लोगों को मोबाइल नंबर डालने के लिए ऑप्शन आ गया होगा, या फिर आपके मोबाइल में जितने मोबाइल नंबर रहेंगे वो सब यहाँ पर ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएंगे। तो चलिए हम लोग अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एक चूज कर लेते हैं। तो मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर देखिए ऊपर वाला जो है 81 है, इस पर OTP आएगा और ये ऑटोमेटिक वेरीफाई भी कर लेगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए आपका पैन कार्ड नंबर भी आ जाएगा, ठीक है, आपका पैन कार्ड नंबर भी ऑटोमेटिकली खुल के आ जाएगा और यहाँ पर दिखाई देगा और यहाँ पर बोलेगा ये 100% सिक्योर है। उसके बाद देखिए ये पूछ रहा है कंफर्म आई एम प्रद्युम्न विश्वकर्मा, तो हमें इस पे क्लिक कर देना होगा। उसके बाद देखिए ये यहाँ पर नेक्स्ट हो जाएगा। उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि आप अपना डेट ऑफ बर्थ बदलना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना डेट ऑफ बर्थ भी बदल सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप मेरा डेट ऑफ बर्थ शो कर रहा है, यहाँ पर मैं चाहूँ तो इस पर क्लिक करके अपना डेट ऑफ बर्थ बदल सकता हूँ, लेकिन मैं इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं बदलने वाला, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है। अगर यहाँ से आप कुछ अपना बदलना चाहते हैं, आप शादी वाला जो आपका मैरिटियल स्टेट है वो बदलना चाहते हैं तो यहाँ से बदल सकते हैं। और साथ ही में इसमें बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं, जैसे कि आप अपना जेंडर बदल सकते हैं अगर गलत हो गया है तो, या फिर अगर आप रेसिडेंटल हैं या फिर इंडिया से बाहर रहते हैं NRI भी है तो आप यहाँ पर NRI चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करूँगा, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना होगा। जैसे आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ पर आपसे और भी KYC की डिटेल्स रहेगी, जैसे कि आप किसको अपना बदलना चाहते हो, जैसे कि अगर आप अपना कुछ बदलना चाहते हो ऑक्यूपेशन या फिर आपकी इनकम डिटेल्स कुछ भी बदलना चाहते हो तो आप यहाँ से बदल सकते हो। मदर नेम फादर नेम ये सब भी यहाँ से आप लोग बदल सकते हो। तो इसके बाद हमें इसको भी नेक्स्ट कर लेना होगा। नेक्स्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमसे नॉमिनी के लिए पूछ रहा है किसी को आप नॉमिनी बनाना चाहते हो। जैसे कि मुझे लोग बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भाई म्यूचुअल फंड में नॉमिनी कैसे बनाए, नॉमिनी कैसे ऐड करें, उसके बारे में बताओ। तो चलिए मैं इसके बारे में भी आज बता ही देता हूँ कि आपको यहाँ पर ऐड नॉमिनी पे क्लिक करना है, उसके बाद यस पे क्लिक करना है।
यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ से पूछेगा कि आप नॉमिनी जिसको बना रहे हैं उसका नाम यहाँ पे लिखना होगा और उसके साथ आपका रिलेशन क्या है। चलिए मैं रिलेशन जो है वो बता देता हूँ, अपने फादर का यहाँ पर डाल देता हूँ, मेरा इनके साथ फादर का रिलेशन है और अपने फादर का नाम यहाँ पर डाल देता हूँ। रिलेशन और नाम डालने के बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करने का होगा और ये हमारा नॉमिनी जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट पे हम जैसे क्लिक करेंगे, देखिए हम लोग का ये नॉमिनी सक्सेसफुली ऐड हो गया है। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपसे आपका बैंक चूज करने के लिए कहेगा, आपका जो बैंक होगा आप यहाँ से चूज कर लेना। मैं अपना यहाँ पर बैंक चूज कर लेता हूँ, जैसे कि मेरा है यहाँ पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका जो होगा आप वो सर्च कर लेना, आपका यहाँ से वो जुड़ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे सर्च करते हैं। उसके बाद ये आपसे ब्रांच पूछ रहा है यानी कि आईएफएससी कोड पूछ रहा है, तो आपको अगर आपका पता है तो आप यहाँ पर डाल देना। आपको यहाँ पे सर्च करना होगा, जैसे कि मेरे ब्रांच का यहाँ पर आ गया है महनगर, महनगर करके इस पर हम टैप कर लेंगे। टैप करेंगे उसके बाद हमारे सामने देखिए ऐसा इंटरफेस आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा कि हमको अपना ये वेरीफाई करना होगा बैंक का नाम, और यहाँ पर हम अपना बैंक का नंबर पहले एडिट कर लेते हैं। उसके बाद हमें क्या करना होगा, वेरीफाई बैंक पर क्लिक करना। जैसे हम लोग वेरीफाई बैंक पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देखिए ये 1 मिनट का टाइम लेगा, उसके बाद ये सक्सेसफुली वेरीफाई हो जाएगा। तो गाइजर इस तरीके से आप लोग अपना नॉमिनी ऐड कर सकते हैं अपने ग्रो अकाउंट में। और यहाँ पर फिर आपसे बोल रहा है एक फोटो के लिए, कैमरे के लिए, तो चलिए हम लोग अपना एक फोटो भी ले लेते हैं ताकि इसको बिलीव हो जाए कि हाँ ये हमारा ही अकाउंट है और हम यहाँ पर ही अपना एक्टिविटी कर रहे हैं। तो चलिए हम लोग कैमरे पे क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग कैमरे पे क्लिक करेंगे इसको अलाउ करना होगा और ये देखिए अब प्रोसेसिंग हो रहा है और हमारा यहाँ पर फोटो लिया जा चुका है, यानी कि ये हमारा सेल्फी कैप्चर कर लिया। अब ये हमारे अकाउंट पे अपडेट कर दिया जाएगा कि ये आपका लेटेस्ट फोटो होता है। अभी ये प्रोसेसिंग हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसको अगर आप लोग चाहें तो ये फोटो आपका लगा रहेगा, अगर आप लोग चाहें तो इसे बढ़िया करके या फिर लुक्स गुड करके कर सकते हैं। अगर आपको फोटो खराब लग रहा है तो आप दोबारा से यहाँ पर रिटेक कर सकते हैं। तो चलिए मैं लुक्स गुड पे क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद आपको अब 3 सेकंड का अपना वीडियो यहाँ पर कैमरे के द्वारा रिकॉर्ड करना है, तो चलिए मैं कर लेता हूँ। और ये देखिए हमारा 3 सेकंड का वीडियो जो है बन के आ गया है, यहाँ पर वीडियो साइज 752 KB। उसके बाद हमें नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा, ये देखिए नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे ये अपलोड होने लगेगा और उसके बाद ये पूरा आपका अकाउंट का फिनिशिंग अब होने वाला है। और ये अब यहाँ पर आपकी सारी डिटेल्स जो भी आप चेंज करना चाहते थे वो पूरा एक बार में ही चेंज हो जाएगा, पूरा एक कंप्लीट वीडियो आपको यहाँ से मिल गया है देखने को। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, अब आपको क्या करना होगा, अपने पैन कार्ड का फोटो अपलोड करना होगा। तो चलिए हम लोग अपलोड कर देते हैं अपने पैन कार्ड का फोटो यहाँ पर। तो गाइजर पैन कार्ड अपलोड करने के बाद यहाँ पर आपको क्रॉप कर लेना होगा, क्रॉप करने के बाद आपको सही के टिक पे क्लिक कर लेना होगा। जैसे आप सही के टिक पे क्लिक करोगे ये अपलोड हो जाएगा, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लगेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर कन्फर्म पे क्लिक कर लेना होगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए मेरा अपलोड हो चुका है, मैं इसको कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर आपको पैन कार्ड का फोटो खींच कर ही अपलोड करना है, पीडीएफ फाइल से काट कर नहीं अपलोड करना। अगर आप पीडीएफ फाइल से कट करके अपलोड करेंगे तो वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, वो यहाँ पर फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, अभी ये कंफर्म पर देखिए टाइम ले रहा है, इसीलिए हम लोग थोड़ा सा रुक जाते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं। उसके बाद देखिए गाइस यहाँ पर आपसे ये ऑप्शन पूछ रहा है आपका एड्रेस वेरीफाई करने के लिए, तो आपके पास जो चीज हो इसमें से आप उसके द्वारा एड्रेस वेरीफाई कर सकते हैं। आप यहाँ पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, तो मेरे पास आधार कार्ड है, मैं आधार कार्ड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पर बोल रहा है कि आपको अपने आधार कार्ड का एक फोटो अपलोड करना होगा, तो चलिए हम लोग यहाँ पर अपने आधार कार्ड का एक फोटो अपलोड कर लेते हैं। तो गाइजर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं हम लोग का अपलोड हो चुका है। तो गाइजर जब आप लोग अपने आधार कार्ड का फ्रंट साइड अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर आप लोगों को बैक साइड अपलोड करने के लिए कहेगा, तो चलिए अब हम लोग बैक साइड भी अपलोड कर लेते हैं क्लिक करके। आप लोग को ऐसे अलग अलग करके अपलोड करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन आएगा, तो आप लोग ऐसे ध्यान से समझ लीजिए कि पहले ये फ्रंट साइड का जिस साइड आपका फोटो होगा वो वाला अपलोड करवाएगा, उसके बाद फिर जहाँ जब आपका फोटो मतलब अपलोड हो जाएगा जहाँ पे एड्रेस लिखा रहता है फिर उस साइड का ये अपडेट करवाएगा। तो चलिए हम दोनों यहाँ पर अपडेट कर लेते हैं। उसके बाद देखिए हमने अपना बैक साइड कर लिया, उसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों का एड्रेस वेरिफिकेशन यहाँ के लिए आ गया, अब इसको ओके करेंगे। और अगर आपका एड्रेस में यहाँ पर कुछ चेंजेस करना है तो आप कर सकते हैं, बाकी आप यहाँ पर जैसे आधार में है वैसे कन्फर्म पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपका केवाईसी वेरिफिकेशन सक्सेसफुली डन हो जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आई एग्री पे क्लिक कर देना होगा। यहाँ पर आपका पैन डिटेल्स, आधार डिटेल्स और पर्सनल डिटेल्स सारा यहाँ पर सही का टिक लगा हुआ है, आपको एग्री पे आई एग्री पे क्लिक करेंगे आप। फिर इसके बाद आपको सिग्नेचर करने के लिए कहेगा, तो यहाँ पर आप साइन पे क्लिक करेंगे।
उसके बाद यहाँ पर आप अपना साइन कर देंगे अपने हाथ से ही। तो चलिए मैं अपना कर लेता हूँ, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। तो यहाँ पर साइन करने के बाद हम इसको सेव पे क्लिक कर देते हैं। जैसे आप भी साइन करना है, इसको सेव पे क्लिक कर लेना, जो ये सेव का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक नया सा पेज खुल के आ जाएगा, और यहाँ पर अब आपको प्रोसीड का ऑप्शन आएगा, इस पर आप टिक कर लेना स्टॉक वाले पे, फ्री वाले पे। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर देना, और यहाँ पर अब आपको क्या करना होगा, नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते रहना है। यहाँ पर आपको जो भी आपको चीज़ रहे, उसके बाद आप यहाँ पर आपको ये बोल रहा है कि आपको अपने सिग्नेचर का फोटो भी अपलोड करना होगा, ठीक है। तो क्या करना होगा हमें, तो हमें अपना साइन करके किसी कॉपी या पेपर पे यहाँ पर उसका फोटो खींच के अपलोड करना होगा। यहाँ पर हम लोग को टेक ए सिग्नेचर फोटो पे क्लिक करना होगा। उसके बाद हमें अपने गैलरी को मतलब अपना कैमरा ओपन कर लेना होगा, और यहाँ पर अपने साइन का ऐसे फोटो खींच लेना होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर सही का टिक कर देंगे। जैसे आप सही का टिक करेंगे, यहाँ पर आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। इसको आप कट करके क्रॉप करके छोटा बड़ा भी कर सकते हो। उसके बाद सही का टिक कर देंगे ऊपर से, और ये आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को भी ऐसे करना है। उसके बाद लुक्स गुड पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पर आपका सिग्नेचर भी अपलोड हो जाएगा। और आपका अब ये पूरा म्यूचुअल फंड का जो अकाउंट है वो पूरा फुल्ली तरीके से अपडेट हो गया है। जैसे आपने पहले किया था वो पूरा का पूरा प्रोसेस आपने फिर से दोबारा कर दिया, और ये फुल्ली अपडेटेड हो गया। उसके बाद प्रोसीड टू आधार ई साइन के लिए यहाँ पर बोल रहा है। तो गाइज यहाँ पर आधार ई साइन के लिए बोल रहा है, अगर आपका नहीं लिंक होगा मोबाइल नंबर आधार कार्ड से तो ये ऐसा है, यहाँ पर आपको एरर शो करेगा, काइंडली वेट फॉर बैंक वेरिफिकेशन टू कंप्लीट। तो आपको क्या करना होगा, जो आधार नॉट लिंक टू एनी मोबाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और यहाँ से ये जो डाउनलोड फॉर्म लिखा है इस पर क्लिक कर देना होगा। और जैसे ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, आप लोग को यहाँ पर प्रोसीड का ऑप्शन आ जाएगा। तो चलिए हम लोग वेट कर लेते हैं जब तक हम लोग का ये फॉर्म डाउनलोड होता है। तो गाइस आप लोग देख पा रहे हैं, हम लोग का फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, और हम अपनी से क्या करना होगा, यहाँ जो प्रोसीड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सिंपली उस प्रोसीड के ऑप्शन पर हम लोग को क्लिक कर लेना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, और ये देखिए अब हम लोग का अकाउंट यहाँ पर खुल के आ चुका है। और अभी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे गाइस कि जो मेरा मोबाइल नंबर पहले यहाँ पर 88 था, अब वो 81 में बदल गया है। पहले 880 था, अभी 818 है। उसके बाद चलिए मैं आपको अब नॉमिनी की डिटेल्स भी दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स भी आ गया। जैसे मैं पर्सनल डिटेल पर क्लिक करूंगा, यहाँ पर देखिए मेरा यहाँ पर नॉमिनी भी ऐड हो चुका है, रिलेशन है, नॉमिनी का नेम भी है। पहले ये नहीं था, जैसे कि आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा होगा, अभी जब मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था तब यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल्स नहीं शो कर रहा था, लेकिन अभी यहाँ पर नॉमिनी की डिटेल्स शो करने लगा है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ पर मोबाइल नंबर, नॉमिनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ सब कुछ चेंज करना बिल्कुल ही आसानी से आ गया होगा, बहुत ही आसान प्रोसेस है। साथ ही में जब मैं यहाँ पर बैंक डिटेल्स पर आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, तो यहाँ पर देखिए मेरा बैंक वेरीफाई हो चुका है। यहाँ पर मैंने दो दो बैंक लिंक किया, तो मैं चाहूँ तो एक को डिलीट भी कर सकता हूँ, उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है, तो आप लोग जाके मेरे चैनल पर देख लेना। तो उम्मीद करते हैं गाइज आप लोग को मोबाइल नंबर, नॉमिनी डिटेल्स, डेट ऑफ बर्थ ये सब चेंज करना बिल्कुल ही आसानी से आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में आ गया तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो, और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को दबाकर ऑल पर जरूर क्लिक करो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, थैंक यू।